यूपी में अस्पताल बदहाल हैं, मरीज परेशान हैं, ना दवाइयां हैं, ना अस्पतालों में जगह है, ऑक्सीजन की भी भारी कमी चल रही है, तो वहीं सीनियर डॉक्टरों की भी लापरवाही साफ देखने को मिलती है। और अब इलाज में लापरवाही पर सीएम योगी गुस्से में हैं और कई डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दरअसल कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों के राउंड नहीं लेने, मरीजों और तीमारदारों के साथ सही व्यवहार नहीं करने पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने देर रात प्रिंसिपल प्रोफेसर आरबी कमल को नोटिस दिया, 24 घंटे में स्थिति सुधारने को कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मौतों को लेकर अफसरों पर तल्खी जाहिर की। सीएम को स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि कोविड मरीजों की देखरेख में लापरवाही की जा रही है, जूनियर डॉक्टरों के सहारे इलाज चल रहा है, कोविड मरीजों को कोई नहीं देख रहा, मौतों का ब्यौरा पोर्टल पर देर से दर्ज हो रहा है। बस इसी को लेकर सीएम योगी नाराज हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने रात को नोटिस जारी करके सभी बिंदुओं पर मेडिकल कॉलेज को ध्यान दिलाया। कानपुर जिलाधिकारी से नोटिस मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए। प्राचार्य प्रोफेसर आरबी कमल ने एक दर्जन डॉक्टरों और कर्मचारियों को डाटा फीडिंग में लापरवाही के मामले में नोटिस दिया। प्राचार्य के मुताबिक की डीएम के नोटिस के संज्ञान में जिम्मेदार डॉक्टरों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब दो डॉक्टर और दो कर्मचारी डाटा अपडेट करने के लिए 24 घंटे तैनात किए गए हैं। फिलहाल इलाज में लापरवाही को लेकर सीएम योगी ने डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के आदेश तो दे दिए हैं। देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन इस मामले पर कितनी संवेदनशीलता बरतता है, क्योंकि जिस तरह से मरीज तड़प रहे हैं वो बेहद ही दुख देने वाली घटना है। देखना होगा कि आगे सीएम योगी क्या कदम उठाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।